ज्यों ज्यों विसाखी का दिहाड़ा नज़दीक आता जा रहा त्यों त्यों सरगर्मियां तेज़ होंदियां जा रही ने, भावें पुलिस दियां होण, प्रशासन दियां होण या फिर खालिस्तान समर्थकां दियां होण। हम दस दईए कि ताज़ा खबर तलवंडी साबो तो सामने आ रही है। तलवंडी साबो ते गर्ल्स कॉलेज के बाहर उहदी कंध दे उत्ते खालिस्तान पक्षी नारे जिहड़े ने कलख दे नाल लिखे गए ने, और नाल दी नाल ही खालिस्तान का झंडा भी जिहड़ा उत्ते लहराया गया है। उत्ते कंध उत्ते खालिस्तान का झंडा भी नज़र लटकदा नज़र आ रहा, और नाल दी नाल कंध उत्ते खालिस्तान के नारे लगते दिखाई दे रहे हैं, नारे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तुहानू दस दईए कि तलवंडी साबो का गर्ल्स कॉलेज है जिथे इस वारदात को अंजाम दिता गया। तस्वीर भी सामने आ रही ने उत्थे दियां जिथे खालिस्तान पक्षी नारे जिहड़े ने लिखे गए हैं, और इस गर्ल्स कॉलेज के बाहर जदों दे नारे लिखे गए हैं, माता साहिब कौर गर्ल्स कॉलेज है जिसके बाहर नारे लिखे गए हैं, उस तो बाद प्रशासन की गतिविधियां तेज़ हो गई ने। ज्यों ज्यों विसाखी का दिहाड़ा नज़दीक आ रहा त्यों त्यों प्रशासन वालों भी हुण अपनी गतिविधियां अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दित्तियां गई ने, और जदों तो यह कार्रवाई की गई है, जदों तो यह कांड होया उदों तो ही सरगर्मी जिहड़ी है पुलिस की वह तेज़ हो चुकी है। हाई अलर्ट तलवंडी साबो दे विच कर दिता गया, क्योंकि एक पासे अमृतपाल फरार है, अमृतपाल के साथी अमृतपाल के फरार होने तो बाद निराश ने, लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ होंदे दिखाई दे रहे हैं, प्रशासन की की कार्रवाई की निखेधी कर रहे हैं। उत्थे ही हुण विदेशों के भी अमृतपाल के समर्थकों वालों भारतीय मूल के लोगों को घेरना शुरू कर दिया गया, उन्होंने गालां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां गई ने, इहो जिहे वतीरे हुंदे विदेशी मुल्कों के दिखाई दे रहे हैं, पर हुण देसी मुल्कों के भी अपने मुल्क के भी इहो जिहे कांड हो गया। तुहानू दस दईए कि तलवंडी साबो दे विच एक गर्ल्स कॉलेज है, उसदी कंध के उत्ते खालिस्तान पक्षी नारे जिहड़े ने लिख दिए गए ने, और इस मामले को लैके जिहड़ी कार्रवाई करदी पुलिस प्रशासन की टीम है उसने हाई अलर्ट जिहड़ा इलाके दे विच नज़दीक दे पिंडां दे विच जारी कर दिता। इस पूरे मामले दे विच की बनेगा, की कुछ सामने आएगा, एक तो कोई पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि यह मामला चुप चुपीते ठंडे बस्ते पै जाए, क्योंकि इस पूरे मामले को लैके एक किन्ने लिखा आ खालिस्तान पक्षी नारे, किसने लिखे है, किसने वो झंडा लटकाया, इस बारे फिलहाल तो कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवीज खंगालियां जा रही ने, क्योंकि एक कॉलेज है तो उत्थे सीसीटीवीज होनिया लाजमी ने, इस वास्ते उन्होंने सीसीटीवीज नू भी खंगालिया जाएगा, और इस तो बाद वेख्या जाएगा कि किस इंसान ने या किस ग्रुप ने इस घटना नू अंजाम दिता है। खालिस्तान पक्षी नारे जिहड़े लिखे गए ने वह कंधा उत्ते लिखे गए ने, हुण इस तो बाद वेखना होगा किस तरह की कार्रवाई होगी। एक पासे सरबत खालसा सदन की अपील सी अमृतपाल सिंह की, उसनू कितना ना कितना खारिज जरूर किया गया, और उसकी थान के उत्ते धार्मिक समागम जिहड़ा दमदमा साहब विच रख दिता गया। वो धार्मिक समागम 12 अप्रैल तो लैके 15 अप्रैल तक चलेगा। 13 अप्रैल की विसाखी का दिहाड़ा उदों सरबत खालसा नहीं सद्या जा सकता, पर हुण इस पूरे मामले नू लैके हो सकता है कि अमृतपाल के समर्थक जिहड़े ने वो गुस्से विच होण, इस वास्ते खालिस्तान पक्षी नारे जिहड़े ने वो इस कॉलेज के बाहर लिखे गए ने। फिलहाल हाई अलर्ट दस दिता गया है, तलवंडी साबो के आस पास के इलाकों के लगातार शनाख्त की जा रही है, लभण की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन्हां नारियां नूं लिखण वाले व्यक्ति कौन सन, कि इन्हां ने यह कांड किया, कौन ये सब करके उत्थों फरार हो चुके ने, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, और जल्द तो जल्द लभण की कोशिश की जा रही है मुलजमान। हालांकि इहो जिही कांड विदेशी मुल्कों में भी होंदे दिखाई दिते ने, यूके कैनेडा न्यूजीलैंड भी होंदे दिखाई दिते ने, आस्ट्रेलिया भी समर्थक जिहड़े ने सड़कों उत्ते आउंदे दिखाई दिते ने। खालिस्तान पक्षी समर्थकों वल्लों भारतीय मूल के लोगों के नाल बदसलूकी भी की गई है, और हुण भारत दे विच भी हिंदुस्तान दे विच भी इहो जिहा होना शुरू हो गया। इस पूरे मामले को लैके विसाखी आने तक की कुछ हुंदा या फिर उस तो बाद भी किस तरह दीयां गतिविधियां हुंदियां ने, बने रहो वन इंडिया पंजाबी नाल, पल पल की जानकारी देंदे रहांगे। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।